हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो हम पढ़ रहे थे कि एक रिएक्शन जो है वो कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, तो वो सभी टाइप मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो देखिए, हमने कौन कौन से पढ़े, संयोजन पढ़ लिया, वियोजन या अपघटन जिसको बोल रहे हैं वो हमने पढ़ लिया। देन हमने जैसे जो मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ा। अभी हमने क्या पढ़ना है, इसी के अंदर जो नेक्स्ट टाइप होता है, मेनली जो मैंने आपको बताए थे ना टाइप्स, तो वही होते हैं। जैसे हमने बोला अपघटन है, वो 5 टाइप होते हैं, लेकिन कुछ और जो बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो जनरली क्या हम जो आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे ना उनमें हमारे काम, जैसे हमने बोला मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, उसके अंदर के जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन उसको हम एक अलग नाम कैसे दे सकते हैं, उसके अंदर की प्रोसेस क्या होते हैं, इसीलिए कुछ जो चीज़ें हैं वो एक रिएक्शन के लिए हमारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि उस रिएक्शन के अंदर ये कंडीशन हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडीशन दूसरी इसके जस्ट अपोजिट हो तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में, कि वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं, हम किन को बोलते हैं कि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, दूसरे अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। इसके अलावा जैसे हम विद एग्जांपल उसको देखेंगे कि उसके अंदर ये जो प्रोसेस हुई है ये क्यों हमने इसके अंदर रखी है, क्यों हमने ये दूसरे के अंदर नहीं रखी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या चल रहा था टॉपिक हमारा, टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहे थे, देखिए अभी क्या पढ़ने वाले हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, दो टाइप हो गए। अब इसमें हम पहला ले रहे हैं, कौन सा, रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, देखिए हमें यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ पे ये चीज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने बोला कि ये रिएक्शन जो है ना ये अपघटन की होती है, ये वाली रिएक्शन जो है ये उसकी होती है, ये संयोजन की, विजन की, उसके उसके, तो इस टाइप की चीज़ें होती है ना वो जनरली हम क्या इसके अंदर पढ़ते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ना है उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। देखिए एक हमने बोला उत्क्रमणीय अभिक्रिया या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए, तभी तो पढ़ेंगे अभिक्रिया क्या होती है। देखिए पहली चीज़ तो इसके लिए मैं बता दूं कि यानी कि ये जो अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में, यह अभिक्रिया कहाँ होती है, दोनों दिशाओं के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। पहली जो इस विशेषता है इसकी वो हो गई कि ये अभिक्रिया क्या होगी, दोनों दिशाओं के अंदर कंप्लीट होगी, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगी, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहली चीज। दूसरी चीज, एक अभिक्रिया के अंदर कैसे संपन्न होती है, देखिए अभिक्रिया के अंदर इस टाइप से होते अभिकारक हैं, ठीक है, रिएक्शन करके किस में चेंज होते हैं, उत्पाद के अंदर, ये रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन की चेंज इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमने बोला कि अभिकारक से उत्पाद बना, तो ये चीज क्या हुई, ये सिर्फ एक दिशा के अंदर हुई, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हुई। हमने बोला उत्क्रमणीय मतलब ये दोनों डायरेक्शन के अंदर होगी, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट, ये दोनों चीजें जिस अभिक्रिया के अंदर होती है ना वो क्या होती है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इनका क्या हो सके, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, वो रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसीलिए हमने बोला कि रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या बनेगा, अभिकारक से उत्पाद तो बनता ही है सभी रिएक्शन में, और उत्पाद भी चेंज होकर किसका फॉर्मेशन कर सकता है, वो उत्पाद भी चेंज होकर के अभिकारक जो है उसका निर्माण कर सकता है। तो इस ये जो अभिक्रिया होते हैं इस टाइप की, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात पता चल गई आपको कि हम किसको बोलेंगे। दूसरी जो बात आती है इस अभिक्रिया के अंदर वो क्या आती है, दोनों दिशाओं में हो गई, दोनों का चेंज हो गया। इसके अंदर हम देखें एक चीज, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी है, क्या कि इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन रिएक्टेंट की जो मात्रा है वो कभी कैसी नहीं होती है, जीरो नहीं होती। कैसे हो पाएगी, जब अभिकारक चेंज होकर के उत्पाद, उत्पाद के अंदर चेंज, जो उत्पाद चेंज होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, अभिकारक का। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब एक चीज आप भी सोच रहे होंगे, जैसे हमने ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे शो करते, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को शो कैसे करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम हाफ, जो आधा तीर का निशान होता है ना उससे शो करते हैं, ऐसे। ये किसका चिन्ह है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है। ठीक है, इस चिन्ह का मतलब है कि ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होगी, यहाँ पे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसका अगर एक बात करें हम यहाँ पे, जिसकी प्रोडक्ट जो बनेगा मेनली उसके लिए हम क्या चीज लेके चलेंगे। देखिए ये ए प्लस बी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है चेंज इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज का पता है क्या मतलब है, यहाँ पे इस चीज का मतलब है कि यहाँ पे ए और बी जो है ना वो जुड़ करके सी प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली हमने अगर ये चीज ऐसे बोले हम, ये एक तरीके से आप ऐसे देखिए, हमने बोला ऐसे, ये अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस ए प्लस बी से सी प्लस डी का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे सी प्लस डी से वापस ए प्लस बी का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह और ये सी प्लस डी। मतलब जो रिएक्शन हमने बताई ना खोल के, जो जनरल चीजें आप सोच रहे होंगे कि बाकी रिएक्शन ऐसी होती हैं ये ऐसी है, इनका मतलब ये हम ये लिख सकते हैं कि आप एक ही तो चीजें ए प्लस बी से अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से क्या बन गया, अभिकारक। तो इस रिएक्शन को हम ये रूप दे सकते हैं। एक चीज यहाँ पे देखिए, ये इतना समझ में आया आपको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, कैसे शो करते हैं, इसके अंदर मुख्य विशेषता जो है वो क्या होती है, समझ में आ गया आपको। तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया है, और ओवरऑल आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ को लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे से आपको और ज़्यादा टीचर्स जो है बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा सकें। देखिए ये हो गया, ये होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब एक चीज देखिए, इस रिएक्शन के लिए एक और चीज हम क्या, हमने बोला ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। जनरली एक रिएक्शन कहाँ हो रही है, अग्र दिशा में हो रही है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ना वो अग्र और पश्च दोनों तरफ होती है।
ठीक है, यहाँ पे आगे की तरफ भी फॉरवर्ड हो रही है और ये पीछे की तरफ बैक पोर्शन में भी चल रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, देखिए हमने बोला अग्र अभिक्रिया, किसको बोलेंगे, ये अभिक्रिया हो गई अग्र अभिक्रिया, और जो वापस से इससे फॉर्मेशन हो गया इसका, तो ये कौन सी हो गई, एक तरीके से हम देखें तो यहाँ पे पश्च अभिक्रिया। और मेनली इसके अंदर देखिए, ये तो हो गया अग्र अभिक्रिया, ठीक है, ये वाला हो गया पश्च अभिक्रिया, ये क्या हो गया पश्च अभिक्रिया। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर की जो कंडीशंस है वो क्या क्या होती हैं, वो कैसे कैसे होती हैं, ठीक है, हो गया। तो अब ये चीज जो है, अब आपको इतना ध्यान रहेगा, कोई भी रिएक्शन आएगी इसके अंदर से पूछा जाता है तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी जो रिएक्शन है ना वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, कौन सी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक चीज यहाँ ध्यान देने को, क्या उत्पाद से अभिकारक बनेगा और अभिकारक से उत्पाद बनेगा। एक तरीके से हम यहाँ पे देखें, जब जो अनुकूल मात्रा में उत्पादों का निर्माण हो जाता है, मतलब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इससे इसका फॉर्मेशन और इससे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्याप्त मात्रा में क्या हो गया, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से ये तो फॉर्मेशन हो गया, फिर इसके बाद में ये वाली रिएक्शन स्टार्ट होती है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में भी क्या टाइम तो हर एक चीज में लगता है, उसके बाद भी उसको पूरा होने में टाइम लगता है, ठीक है। और एक तरीके से देखें कि हम यहाँ पे अभी क्या निर्माण होगा, रिएक्शन जो है प्रारंभ होने पर भी एक तरीके से देखें तो पूरी नहीं होती है, टाइम तो लेगी। और हर टाइम क्या होता है, रिएक्शन का जो मिश्रण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, कोई भी खत्म नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन एक तरीके से देखें तो पूरा नहीं हो पाती है यदि इस रिएक्शन में गैसों का निर्माण, इसीलिए क्या करवाया जाता है, इससे गैसों का जो फॉर्मेशन होता है वो बंद पात्र में क्रस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये से ये भी बन रहा है, तो उस बात का बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सफिशियंट कितना बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का निर्माण होगा पहली चीज तो, ठीक है। जब प्रोडक्ट का निर्माण हो गया, कितना, जितनी मात्रा की जरूरत, एक तरीके से देखें तो एक अनुकूल मात्रा, एक पर्याप्त मात्रा में क्या बन गए, सफिशियंट क्वांटिटी में जो उत्पाद थे उसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद में फिर क्या स्टार्ट होती है, जो बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे वाले जो रिएक्शन को पश्च अभिक्रिया बोलते हैं, वो पश्च अभिक्रिया क्या होती है, स्टार्ट होती है, मतलब इससे इसका फॉर्मेशन हो गया। अब इसका पूरा फॉर्मेशन होने के बाद में क्या होता है, मतलब इस दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होती है, इसका एक इतनी मात्रा में क्या हो जाए, फिक्स मात्रा में इसका निर्माण हो जाए, फिर इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब जब क्या हो गया, अभिक्रिया चालू हो गई, तो अब क्या होने लगेगा, रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन होगा। जब पीछे वाले अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया जब चलेगी तो यही तो बनेंगे, तो क्या बने गए, रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट्स का फॉर्मेशन होगा। और एक चीज हमें पता है, रिएक्शन होने के बाद भी ये क्या होती है, पूरी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हर टाइम में क्या, देखिए अगर पूरी हो तो क्या, अभिकारक से पूरी तरह उत्पाद बन गया, खत्म हो गए सारे अभिकारक, फिर उत्पाद से दोबारा अभिकारक बन गया, खत्म हो गया, तो हुआ क्या रिएक्शन के अंदर, मेनली रिएक्शन का मतलब क्या, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये रिएक्शन लगातार होती है, तो यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन, जो भी मिक्सचर होगा, मिश्रण जो होगा, उस मिश्रण में हर टाइम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो हर टाइम, इसका मतलब रिएक्शन होता रही है, जब ना तो अभिकारक खत्म हो रहे हैं ना उत्पाद खत्म हो रहे, लगातार रिएक्शन हो रही है, तो ये कौन से अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे भी मान लीजिए एग्जाम्पल वगैरह पढ़ेंगे, जैसे रिएक्शन के अंदर जरूरी नहीं है, इतने जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ना मेनली, वो जो टाइप्स हैं उनके अंदर ही ये जो रिएक्शन है उसको इंक्लूड किया जाएगा, वहाँ पे हम बताएंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर के जो प्रोसेस है ना वो किस किस तरीके से होती है, क्या क्या होती है। अब बताती है आपके क्वेश्चन की, मैंने आपसे पूछा था कि हमारे ब्रेन से ना बॉडी के हर पार्ट तक सिग्नल जाता है, तो कौन सा सिस्टम जो है उसके द्वारा जाता है, तो वो जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, क्योंकि आपको कहीं भी सुई चुभती है तो वहाँ से तंत्रिकाएं डायरेक्ट कहाँ तक सिग्नल लेके जाती हैं, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम यहाँ पे कोई चीज चुभ रही है और आपको वहाँ से उसको हटाना है,
ठीक है। अब बात आती है आपके आज के क्वेश्चन की कि आपका आज का जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। आपको ये बताना है कि जैसे हमारा ब्रेन होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है उसके अंदर, तो आपको ब्रेन का वॉल्यूम बताना है कि उस ब्रेन का आयतन कितना होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।